हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। जैसे कि आपने स्क्रीन पे पढ़ ही लिया है, 2000 रुपए का नोट हुआ है बंद। ये न्यूज आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आपके व्हाट्सएप, आपके फेसबुक, आपकी यूट्यूब वीडियोस में, शॉर्ट्स में काफी जगह देखने को मिली होगी। कितनी इसमें सच्चाई है और कैसे हुआ है आपका ये नोट बंद, कब से होगा बंद, क्या फैसिलिटी है आरबीआई ने यहाँ पे आपको दी है, बैंक्स क्या करने वाले हैं, सीनियर सिटीजन के लिए क्या बेनिफिट है, तो यहाँ पे ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपडेट मिल पाए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे आरबीआई की गाइडलाइंस जो प्रेस रिलीज कल ही इशू की गई है, और इसमें लिखा गया है कि जो 2000 डिनोमिनेशन का बैंक नोट है वो आपका सर्कुलर से विड्रॉ हो जाएगा और कंटिन्यू रहेगा एज लीगल टेंडर। अब ये दो वर्ड का मीनिंग क्या है, सर्कुलेशन और लीगल टेंडर। सर्कुलेशन का मीनिंग है कि यहाँ पे जो सर्कुलेट हुआ है 2000 रुपए का बैंक नोट आपका, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन वो आपका अब विड्रॉ कर लिया जाएगा, यानी कि अब लोगों के पास जो 2000 के बैंक नोट है वही आपके पास एग्जिस्टिंग बैंक नोट रहेंगे एज लीगल टेंडर, यानी कि आप उनका यूज कर सकते हैं जो आप एक्सपेंस करते हैं उसमें। लेकिन आपको अब नए 2000 के नोट जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे, और यहाँ पे जो है आपका जो एग्जिस्टिंग 2000 के नोट है वो बैंक आपसे वापस लेगी। लेकिन कैसे लेगी, क्या रिपोर्ट है यहाँ पे, वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ये कहानी बताई गई है कि नवंबर 2016 से आपका डीमोनेटाइजेशन किया गया था, जिसकी वजह से 2000 का नोट जो है वो आपका एग्जिस्टेंस में आया था, और जो उस वक्त के लीगल टेंडर थे 500 और 1000 रुपए का नोट जो है वो यहाँ से विड्रॉ कर लिए गए थे। तो ये ऑब्जेक्टिव जो था वो 2000 के नोट का यहाँ पे इश्यू करने की था। लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने, यानी कि आरबीआई ने ये चीज नोटिस किया कि जो 2000 का डिनोमिनेशन है वो इतना यूज नहीं आ रहा है, और उसका जो है लाइफ स्पैन, यानी कि उसको जो जिस पर्पस से यहाँ पे इशू किया गया था वो पर्पस भी यहाँ पे फुलफिल हो गया है। तो यहाँ पे क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर 2000 रुपए का डिनोमिनेशन का जो बैंक नोट है वो सर्कुलर से विड्रॉ कर लिया गया है, लेकिन उसको लीगल टेंडर रखा है। आप सभी को जो ये कंफ्यूजन हो रहा है बाकी वीडियोस से, आपके मैसेजेस से, तो उसमें आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि सर्कुलर से विड्रॉ किया गया है, सर्कुलेशन से विड्रॉ किया गया है, लीगल टेंडर आपका अभी भी है, यानी कि आप उसको नॉर्मल जैसे पहले यूज करते थे वैसे आप उसे यूज कर सकते हो। और इसी को यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग बैंक नोट्स आपके पास अवेलेबल है उसको यहाँ पे एक्सचेंज करवाने के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या यहाँ पे लिखा है, वो लिखा है कि जो बैंक्स हैं वो डिसकंटिन्यू कर देंगे 2000 रुपए का नोट जो इमीडिएट इफेक्ट से, यानी कि आपकी जो एटीएम और कैश रिसाइकलर मशीन है उसमें अब 2000 के नोट जो है वो बैंक से इमीडिएट इफेक्ट से हटा लिए जाएंगे, और वहां पे जो दूसरी डिनोमिनेशन है वो यहाँ पे दी जाएगी। साथ में यहाँ पे जो है आपका 2000 रुपए का जो नोट है वो यहाँ पे विड्रॉल नहीं होगा बैंक की तरफ से, अगर आप यहाँ पे विड्रॉ करने जाते हैं अपनी कोई भी अमाउंट को। अब यहाँ पे डिपॉजिट और एक्सचेंज के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी बताई, और कब तक आप एक्सचेंज करा सकते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि 30 सितंबर 2023 आपको जो टाइम लिमिट है वो यहाँ पे आरबीआई की तरफ से कॉमन पब्लिक को दी गई है कि 2000 रुपए का नोट जो है वो आप यहाँ पे या तो बैंक्स में जाके डिपॉजिट करवा दीजिए या आरबीआई की जो रीजनल ब्रांचेस है वहां पे जाके डिपॉजिट करवा दीजिए। लेकिन कब तक आप डिपॉजिट करवा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे 4 महीने का टाइम दिया गया है, 30 सितंबर 2023
2023 तक आप इसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपका कोई भी अकाउंट नहीं है उस बैंक के अंदर, तो क्या आप यहाँ पे 2000 रुपए का नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप यहाँ पे 2000 का बैंक नोट जो है वो आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। सिर्फ आपको जो है नॉर्मल जो KYC नॉर्म्स है और जो स्टैचुरी रिक्वायरमेंट आपकी बैंक्स की तरफ से होती है वो आपको यहाँ पे जो है फुलफिल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो है बैंक्स को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया, बैंक्स को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर किसी पर्सन का आपका अकाउंट मेंटेन नहीं है तो आप उसका KYC फुलफिल करेंगे, स्टैचुरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, साथ में आपका जो है यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन का रिपोर्टिंग भी करेंगे और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का रिपोर्टिंग भी जहाँ पे एप्लीकेबल है वो भी आप यहाँ पे करेंगे। साथ में यहाँ पे जो है 2000 रुपए का एक्सचेंज जो नोट है वो आपको सारे बैंक्स में सारी ब्रांचेस में अवेलेबल है। और साथ में यहाँ पे जो है आप बैंक्स का भी ध्यान रखना है, आपको बैंक्स ब्रांचेस में आप जो है 2000 रुपए का नोट जो है आपकी जो लिमिट यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेट की है वो 20,000 रुपए तक की सेट की है। आप यहाँ पे जो है 20,000 रुपए तक टोटल आप जो है 2000 का नोट अगर आप डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, एक दिन की लिमिट है 20,000 रुपए। साथ में आपको जो है ये फैसिलिटी, ये अरेंजमेंट आपका कब से स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका 23 मई से आपका स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। नॉर्मल बैंकिंग प्रैक्टिस में आप अपना 2000 का नोट जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है 2000 नोट के लिए सीनियर सिटीजन या जो डिसेबल पर्सन है और यहाँ पे अगर विमेंस जाती है एक्सचेंज करवाने के लिए तो उसके लिए जो है बैंक स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे ताकि उन लोगों को जो है यहाँ पे कोई भी तरह की डिफिकल्टी यहाँ पे फेस ना करनी पड़े। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियरली लिखा है कि 2000 रुपए का डिनोमिनेशन जो है लीगल टेंडर रहेगा। तो अब आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना इजी हो गया होगा कि सर्कुलेशन से हटा है, मतलब नए नोट आपके पास नहीं आएंगे लेकिन जो एग्जिस्टिंग नोट है उनको आप डिपॉजिट करवा सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं बैंक्स के साथ या RBI की रीजनल ब्रांचेस के साथ 30 सितंबर तक, और 23 मई से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। और 2000 का जो लीगल टेंडर है वो आपका नोट जो है लीगल टेंडर रहेगा। अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए 2000 रुपए का नोट यूज करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में काफी सारे क्वेश्चंस जो है गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से यहाँ पे रिलीज किए हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के थ्रू। यहाँ पे अगर आपको इन क्वेश्चंस पे डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी। यहाँ पे मैं बेसिकली बता देना चाहती हूँ जो मेन क्वेश्चंस के आंसर है वो यहाँ पे है कि अगर आपकी कोई भी बैंक या बैंक का ब्रांच यहाँ पे रिफ्यूज करता है आपके एक्सचेंज करने को 2000 रुपए के नोट या एक्सेप्ट करने को, तो आप यहाँ पे क्या है जो आपकी फर्स्ट अप्रोच होगी कंप्लेन की, सबसे पहले होगा कि आपको यहाँ पे कंप्लेन रेज करना होगा अग्रीव्ड कस्टमर के थ्रू। 30 दिन के अंदर अगर आपकी कंप्लेन का कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आता है तो आप उसको जो है फर्दर RBI के इंटीग्रेटेड यहाँ पे जो सिस्टम है स्कीम है वहां पे आप अपना कंप्लेन जो है जारी कर सकते हैं। ये लिंक अगर आपको चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए यहाँ पे जो है डिटेल वीडियो इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर लेके आऊंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन से कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।